हेलो भाई, आप लोग फिर स्वागत है हमारे चैनल ऑटो गैलरी, हमारी दुकान ऑटो मैजिक कार को में। सो भाई आज आप फिर से आपके लेके आए हम स्कॉर्पियो एन। और भाई ये हमारा Z4 मॉडल, मतलब अच्छी खासी आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी इस बार। कंप्लीट मॉडिफिकेशन की जा रही है। सबसे पहले फ्रंट की बात किया तो भाई यहाँ देख सकते हैं पूरा ग्रिल यहाँ पे चेंज किया है, ग्लॉसी ग्रिल आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सारे क्रोम के यहाँ देख सकते हैं क्रोम फिटिंग कर दिया भाई। सब के सब यहाँ पे आपको स्क्रू सिस्टम मिलने वाला, देख सकते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, पेस्टिंग सीन लगा रहे हो, प्रॉपर फिटिंग मिलेगी। साथ साथ क्वालिटी आपको टॉप नॉच यहाँ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बात की जाए भाई यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमने बेजल इंस्टॉल किया, जो पहले लग के आया था उसे निकाल दिया गया, वो बेकार है। अब इंस्टॉलेशन देख सकते हैं भाई, प्रॉपर इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से लेके पूरा पीस यहाँ तक का मिलता है, बड़ा अच्छा खासा पीस है और ये भी आपको मिलता है महिंद्रा जेन्युइन। साथ ही साथ बात की जाए फोगलेट डीआर लगाया जाएगा इसके अंदर, कुछ इस तरीके से हमारे लग के आता देख सकते हैं, ये कुछ क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। बात की जाए प्राइसिंग बताई जाएगी एंड के अंदर। साथ ही साथ भाई फिटमेंट आपकी जो है प्रॉपर करने वाले हैं और भाई इसके अंदर आपको जेन्युइनिटी भी 100% मिलने वाली है। बाकी हेडलाइट की बात की जाए तो भाई ये देख सकते हैं इस बार भाई इसके अंदर लगने वाले टॉप मॉडल वाली हेडलाइट विद सिक्वेंशियल इंडिकेटर। भाई यहाँ पे सिक्वेंशियल इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा और भाई इसके अंदर ना आपको लुक तो मिलती है टॉप मॉडल वाली, बट इसकी जो लाइटनिंग है मतलब उसकी ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम मिलती है। बट अगर ब्राइटनेस चाहिए आपको तो भाई इसके अंदर आप जो स्टॉक आती है इसके अंदर आप LED अपग्रेड करवा सकते हैं, जिसका आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। बाकी बात की जाए भाई इसके अंदर अपग्रेडेशन तो भाई अगर स्किट प्लेट लगवानी है तो भाई स्किट प्लेट का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाता है। बाकी दिखाते हैं साइड प्रोफाइल से क्या कुछ अपग्रेडेशन यहाँ पे कर रहे हैं हम। सो भाई साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो भाई मिरर इस बार अपग्रेड नहीं कर रहे, मिरर वजह से वैसे स्टॉक रहने वाले हैं। अलॉय व्हील्स यहाँ पे अपग्रेड होने वाले बता देंगे, 17 इंच 18 इंच वो आपको दिखा देंगे किस तरीके से होंगे, मैं जेन्युइन आफ्टर मार्केट वो भी आपको बताएंगे। बाकी भाई देखिए साइड स्लाइडिंग यहाँ पे निकाल चुके हैं, यहाँ पे प्रॉपर लगेगी जो हमारी पेंट होगी, जो टॉप मॉडल में आते सिल्वर कलर पेंट यहाँ पे वो अलग, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं भाई जो आती है भाई इसके अंदर अपनी पूरी ब्लैक आती है। इसको पूरा हमने यहाँ पे डिप पेंट किया है, पूरा हाइड्रो डिप है, कंप्लीट फिटमेंट मिलेगी और भाई साथ साथ कलर की भी गारंटी, कलर कहीं से कहीं नहीं जाने वाला, प्रॉपर कलर रहेगा, उतरेगा नहीं। बाकी भाई देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अभी फुटरेस्ट भी लगा, फुटरेस्ट लग जाएगा और भाई रूफ रेल तो भाई अगर आपको करवानी है अपग्रेड तो भाई वो भी यहाँ पे हो जाती है। सेकेंडरी बात करूँ भाई कैमरे की फिटमेंट इधर होगी, कैमरा लगने वाला है और भाई इंटीरियर दिखाऊँ तो भाई देख सकते हैं फ्लोरिंग यहाँ पे कर रहे हैं, फ्लोरिंग कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, क्रोकोडाइल डिजाइन की फ्लोरिंग है। साथ ही साथ भाई आपकी वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ होने वाली है। बाकी सीट कवर भी यहाँ पे अपग्रेड करने वाले हैं, सीट कवर भी दिखा देंगे, टॉप मॉडल वाली सीट कवर है या फिर कुछ यूनिक आपको मिलने वाला है। सो गाइस ये सब काम हो रहा है। बाकी एक गाड़ी हमारे सामने भी खड़ी है वो भी दिखा दो, उसमें क्या कुछ अपग्रेडेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और भाई जो दूसरी गाड़ी हमारी Z2 यहाँ पे है तो भाई ये पहले भी आ रखी है, फिर से आई है, बट इस बार कुछ अलग काम है, इस बार रूफ लगवाने आए हैं और साथ ही साथ भाई यहाँ पे हमारा सिस्टम का काम किया जा रहा है। तो सिस्टम के काम के अंदर भाई सबसे पहले डैम्पिंग लगा दी गई जिसके थ्रू गेट यहाँ पे हैवी होता है, साथ ही साथ जो इसका आउटपुट होता है स्पीकर्स का वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। बाकी भाई सिस्टम में क्या कुछ अपग्रेड कर रहे हैं इस बार हम? सिस्टम में हम वूफर लगा रहे हैं। अच्छा वूफर लगा रहे हैं और एम्प स्पीकर एम से बजाएंगे, एम से बजाएंगे, ठीक है। तो भाई एम्प यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले, एम से स्पीकर बजेगा और वूफर लगने वाला है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे साउंड रिस्पांस मिल जाएगा। बड़े भाई जो वूफर लगा रहे कौन सा जगह पे लगा रहे, अलग से बॉक्स लगा रहे? जी बॉक्स नहीं लगा रहे, जो जगह कंपनी ने दिया हुआ है उसी जगह पे लगाएंगे। ठीक है तो भाई उसी जगह पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बस दिखा देता हूँ पीछे से मैं आपको। सो गाइस ये जो जगह आती है यहाँ पे आपको एम्प्टी स्पेस मिल सकते हैं, यहाँ पे जाली आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे वूफर इंस्टॉल होगा प्रॉपर जेन्युइन जगह पे, देख सकते हैं JBL का 1500 वॉट का हमारा वूफर है, ये इंस्टॉल करने वाले हैं हरमन सीरीज का और इसका रिस्पांस आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। ऊपर की बात की जाए भाई रूफ रेल यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, साथ ही साथ अगर फुटरेस्ट भी करवाना तो फुटरेस्ट भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। बाकी भाई जैसे ही गाड़ी का काम कंप्लीट होगा आपको वो लुक दिखा दूंगा किस तरीके से अपग्रेड किया गया, क्या क्या अपग्रेडेशन मिलेगी भाई, ये सारा काम होगा हमारी दुकान ऑटो मैजिक कार डेकोर पे। सो गाइस फाइनली यहाँ पे मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है स्कॉर्पियो एन की। सो गितेश भाई क्या मॉडल आया था हमारे पास? ये अपने पास Z4 मॉडल आया था। क्या कर दिया इसका? Z8L बना दिया, Z8L बना दिया। हाँ। तो भाई देखिए लुक देख ले, Z8L यहाँ पे बना दिया गया है, फॉग लाइट बेजल सब यहाँ पे कर दिया, दाम हुआ है बल्कि एक इसका दाम हुआ पियानो, ये Z8L में भी वो नहीं आता, पियानो नहीं आता, ठीक है। तो भाई यहाँ देखिए जैसे भाई ग्रिल बता रहा है तो भाई ग्रिल के अंदर प्रॉपर पियानो फिनिश मिलने वाली है। भैया कलर उतरने का तो कोई चांस नहीं होगा? गारंटी भाई 5 साल। तो भाई 5 साल की गारंटी यहाँ पे भाई दे रहे, कलर उतरने का कोई चांस नहीं होगा। साथ ही साथ भाई पूरे क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। तो भाई क्रोम का क्या कुछ प्राइस पड़ जाता है हमारे पास? क्रोम का प्राइस पड़ता है 3200 का। तो भाई 3200 के अंदर यहाँ पे आपको प्राइस देखने मिल जाता है 7 पीस का, 1 पीस आपको टॉप पे मिल जाता है, बाकी 6 पीस यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बात की जाए तो भाई ये देखिए फॉगलाइट DRL जिसके अंदर भाई DRL हमारा ऑन है। भाई फॉगलाइट ऑन कर दो एक बार। तो भाई ये देखिए फॉगलाइट यहाँ पे ऑन है लेकिन पार्किंग हमारी ऑफ होने वाली है। तो भाई कॉम्बिनेशन स्विच के साथ काम किया गया यहाँ पे, कॉम्बिनेशन स्विच है भाई
जेन्युइन स्विच के साथ है ये। ठीक है तो भाई जेन्युइन स्विच उसके आ गया, बाकी सिंपली प्लग एंड प्ले का यहाँ पे ऑप्शन होता है। यहाँ पे सीक्वेंशियल इंडिकेटर मिल जाता है। ठीक है, लो बीम में प्रोजेक्टर, हाई बीम में एलईडी। क्या कुछ प्राइस पड़ जाता है इसका हमारा? 24,000 रुपए इसका प्राइस पड़ जाता है। तो भाई 24 के अंदर यहाँ पे आपको टॉप मॉडल की हेडलाइट प्रोवाइड कर दी गई है। रिस्पॉन्स वाइज भाई ये कुछ आपका रिस्पॉन्स होने वाला है, मतलब रिस्पॉन्स भी अच्छा है, क्लैरिटी भी यहाँ पे अच्छी है। फ्रंट से दिखा दूँ भाई, कोई देख के बोल नहीं सकता कि भाई Z4 है, Z8 वाली यहाँ पे कंप्लीट लुक दे दिया। तो भाई इसके बाद बात की जाए क्या कुछ अपग्रेड मिलता है अपना टॉप मॉडल वाला। ठीक है, स्किड प्लेट यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा टॉप मॉडल वाला। तो भाई क्या कुछ प्राइस पड़ता है स्किड प्लेट का हमारा? 3200 के अंदर स्किड प्लेट भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर जाती है। साइड प्रोफाइल की बात करते हुए, साइड प्रोफाइल में क्या कुछ अपग्रेडेशन इस बार की? 18 इंच अलॉय विद C8 टायर के साथ क्रॉस ड्राइव 80। ठीक है भाई, क्रॉस ड्राइव 80 C8 टायर होने वाले और 18 इंच यहाँ पे आपको अलॉय मिल जाएगा। फिटमेंट वाइज आपको सब कुछ जेनुइन मिलने वाला है और भाई इसके अंदर हमारा एक लेवल अप हो जाता है। बाकी 17 इंच का तो भाई आपका स्टॉक टाइम यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। हाँ। क्या कुछ प्राइस पड़ता है 17 का 18 का? 17 था 53,000 रुपए। हाँ जी, और 18 था 55,000 आपको इसके अंदर 18 का। बाकी बात की जाए भाई इसके अंदर और क्या क्या अपग्रेड किया गया हमारा? आउटर डोर हैंडल। हाँ जी, तो भाई देखिए टॉप मॉडल वाला आउटर डोर हैंडल मिल जाएगा यहाँ पे। और नीचे की तरफ बात की जाए साइड ग्लाइडिंग अपना टॉप मॉडल वाला, टॉप मॉडल वाला साइड ग्लाइडिंग कर दी गई है। बाकी भाई कलर उतरने की गारंटी दे रहे हो? 5 साल की गारंटी भाई। तो भाई इसकी 5 साल की गारंटी मिल गई। लोअर गार्निश आप इंस्टॉल कर दी गई है, रिप्लेसमेंट पार्ट रहने वाला। हाँ जी, इसका सेट आता है वो देखिए भाई, प्रॉपर स्क्रू सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। क्वालिटी वाइज भाई सब कुछ यहाँ पे जेन्युइन आपको मिलने वाला है। बाकी सी क्रोम यहाँ पे पेच किया गया। बैक प्रोफाइल में क्या कुछ अपग्रेडेशन है इस बार की? बम्पर क्रोम हो दिया, अपना 3 पीस में आता है। हाँ जी, बम्पर क्रोम में मिल गया, रहने वाला जेन्युइन महिंद्रा रहने वाला। ठीक है, 3 पीस के अंदर हो गया सिल्वर अपना। ठीक है, ये स्किट प्लेट आपको देखने को मिल जाएगा, पीछे के 3 पीस के अंदर आपको क्रोम देखने को मिल जाएगा। कैमरे की बात की जाए तो भाई कैमरा भी आपको कैमरा हो दिया अपना। ठीक है भाई, वाइपर के क्या कुछ ऑप्शन होते हैं हमारे पास? हैंडल अपना टॉप मॉडल वाला चेंज हुआ, यानी कि हम कंप्लीट सारा वर्क। ठीक है, मैं पूछा था जैसे वाइपर का क्या क्या ऑप्शन होने वाले हैं? Z4 मॉडल इसमें वाइपर लगता है? नहीं नहीं, जैसे Z2 आपके लगाते हैं में लगाए वाइपर, वो वर्किंग रहने वाला, वर्किंग मिल जाते हैं। ठीक है, तो भाई वो भी आपको दिखा देंगे वीडियो में। बट अब चलते हैं NTA में, दिखाते हैं NTA में क्या कुछ अपग्रेड आपको मिले हैं। सो भाई NTA की बात की तो भाई NTA दिखाओ पहले यहाँ से। तो भाई नीचे हमारी की गई है फ्लोरिंग, यहाँ पे देख सकते हो कॉकरेल डिजाइन में फ्लोरिंग होने वाली है, प्रॉपर फिटिंग मिलेगी, वाटरप्रूफ डस्टप्रूफ सेम वही डस्टप्रूफ रहने वाला। ठीक है, बाकी भाई कोई फटने वटने का तो नहीं कि फट जाए ऐसी? नहीं, उसमें क्या होना है, उसमें नहीं फटना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो भाई आपके मैट डाला अपना प्रीमियम क्वालिटी। हाँ जी, और तो अपना पियानो, तो भाई पियानो वगैरह इस बार भी हमें शाइनिंग वर्क के यहाँ पे स्पार्कल आएगी, स्पार्कल के इस बार भी, और सॉफ्ट टच हुआ डोर में। तो भाई ये देखिए सॉफ्ट टच प्रोवाइड किया गया, सॉफ्ट टच फिटमेंट आपके प्रॉपर मिलने वाली है, स्टिचिंग आपको प्रॉपर मिलने वाली है भाई, लेदर क्वालिटी भी अच्छी है। स्पार्कल के अंदर भाई पूरा यहाँ पे देखिए आपको पियानो देखने को मिलेगा, हमारी प्लेट, इनर हैंडल की पीछे की प्लेट, और भाई पूरा ये देखिए ढक्कन से होता है पूरा आपको मिलेगा, साथ साथ ग्रैब हैंडल भी यहाँ पे आपको हमने स्पार्कल के दिया प्रॉपर। उसके बाद चलते हैं इंटीरियर में, तो भाई इंटीरियर में और क्या क्या अपग्रेड इस बार का? इंटीरियर के अंदर होगा अपना सेंट्रल कंसोल स्पार्कल, ये भी हमारा स्पार्कल के अंदर किया गया। ठीक है भैया, और सीट को अपना टॉप मॉडल लुक के साथ, टॉप मॉडल लुक के साथ सीट कवर यहाँ पे इंस्टॉल किए गए भाई। फिटमेंट देखिए, फिटमेंट आपकी अच्छी खासी है, क्वालिटी ऑफ लेदर वो भी यहाँ पे अच्छी है भाई, फिटमेंट आपको हमेशा यहाँ पे एक नंबर ही मिलने वाली है। साथ ही साथ भाई आर्मरेस्ट पे आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच हुआ अपना, स्टेनलेस रैप मून डिजाइन में हुआ डबल टोन। हाँ जी भाई, इसके अंदर हमारे मैट के अंदर जो कंट्रोल लगे हुए इसको आपको ठीक है, तो भाई ग्लोव यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी क्या कुछ अपग्रेडेशन में एक्स्ट्रा की और क्या कुछ करवा सकते हैं इसके अंदर? ये जो कुछ काम था सेंसर अपना रिक्वेस्ट सेंसर लगा, ये सारा काम हुआ है। हाँ जी, बाकी जो आप Z4 मॉडल ऑलमोस्ट जो चीज आता है कंपनी से आता है, बाकी जो नहीं आता वो हम लगा देते हैं। ठीक है, बाकी इसमें म्यूजिक सिस्टम आप अपग्रेड करवा सकते हो, म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी एमएल लाइट वगैरह जो आपका होता है वो मिल जाएगा, लाइट का ऑप्शन मिल जाता है इसमें। ठीक है, तो भाई क्या कुछ खर्चा आ गया इसके अंदर हमारा? इसके अंदर खर्चा आ गया अपना 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख तक खर्चा आ गया। तो भाई 1.5 लाख तक यहाँ खर्चा आ गया, मतलब एवरेज सही है, मतलब मॉडिफिकेशन के हिसाब से जो मॉडिफाई इधर हुआ है उस हिसाब से आपको प्रॉपर एक नॉर्मल खर्चा पे मिलता है। बाकी एक बार कस्टमर से बात करते हैं, उनका रिव्यू लेते हैं, उनको काम कैसा लगा। सो गाइस, ये हमारी गाड़ी के प्राउड ओनर, सर नाम क्या आपका? लोकेंद्र भारद्वाज। कहाँ से है सर आप? गुड़गांव से। सर गुड़गांव से यहाँ पे आपको रेफरेंस कहाँ से मिलाएगा? वैसे पहले से जानकारी थी, पहले से जानकार थे। तो सर यहाँ पे आपने जो काम किया है वो काम कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया था। अब लग रही है बाहर से Z8? हाँ, Z8 लेके क्या आए थे आप? Z4 लेके Z4 आए थे, अब लेके Z8 जा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, मतलब और जो यहाँ पे प्राइसिंग लगी है, प्राइसिंग अफोर्डेबल लगी आपको? हाँ, बहुत अच्छी। और डिस्काउंट कैसा लगा यहाँ पे? डिस्काउंट तो मैं बता तो रहा हूँ, पहले से जानकार है। अच्छा, डिस्काउंट आपको मिला यहाँ पे, बाकी काम से फुली सेटिस्फाई? हाँ जी, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं?
ठीक है। बाकी रेटिंग की बात किया, 10 में से क्या रेटिंग देना चाहेंगे? 10 में से 10 देना चाहते हैं। और जैसे आप फिर से आए तो आप किसी और को रिकमेंड करेंगे वो यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। और कोई आपको जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं आपके व्यूअर, उनके लिए कुछ मैसेज? इनके पास आओ, काम करो। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। ठीक।